तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री चौथा अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, और यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा।